तो एसएम गोल्ड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो बाकी मैक्सिमम अदर कंपनी से स्लाइटली अलग है, क्योंकि बाकी कंपनी जब अपने दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट करेगी या तो फिर कर रही है, तब दिसंबर 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ सितंबर क्वार्टर की डेटा, मतलब सितंबर 2022 के क्वार्टर की डेटा एंड दिसंबर 2021 की भी डेटा साइड बाई साइड शो कर रही है फॉर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन एंड ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2022 की ही क्वार्टरली रिजल्ट शो किया हुआ है। बाकी अगर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे ईयर टिल डेट कंपैरिजन दिया हुआ है एंड हाफ ईयरली बेसिस की कंपैरिजन दिया हुआ है दिसंबर 2022 एंड दिसंबर 2021 के बीच में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 834.11 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। बाकी अगर ईयर टिल डेट की कंपैरिजन में देखा जाए तो ईयर टिल डेट में कंपनी ने जनरेट किया है 2698.4 लाख का रेवेन्यू। ईयर टिल डेट में दिसंबर 2021 में कंपनी ने जनरेट किया था 2091.43 लाख का रेवेन्यू। बाकी अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो हाफ ईयरली बेसिस पे अभी कंपनी जनरेट किया है 1864.29 लाख का रेवेन्यू एंड हाफ ईयरली बेसिस पे दिसंबर 2021 में कंपनी ने जनरेट किया था 2075.76 लाख का रेवेन्यू। तो अगर देखा जाए तो ईयर टिल डेट में दिसंबर 2022 में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है कंपेयर टू दिसंबर 2021 की ईयर टिल डेट की रिजल्ट। मतलब ईयर टिल डेट में कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे दिसंबर 2022 की क्वार्टर में दिसंबर 2022 में कंपनी ने कम रेवेन्यू जनरेट किया है कंपेयर टू दिसंबर 2021 की हाफ ईयरली बेसिस। बाकी अगर प्रॉफिट देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टरली प्रॉफिट आप लोगों के सामने है। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 14.87 लाख रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 में ईयर टिल डेट बेसिस पे कंपनी ने 78.6 लाख रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड दिसंबर 2021 की ईयर टिल डेट में कंपनी ने 9.03 लाख रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया था। बाकी अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो अभी तक हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी ने 63.73 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2021 में हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी ने 34.1 लाख रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो देखो रेवेन्यू का जो व्यू है वो मिक्स्ड है, वो एंटायरली मिक्स्ड व्यू है। मतलब ईयर टिल डेट में तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है दिसंबर 2022 में कंपेयर टू दिसंबर 2021, लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू दिसंबर 2021। लेकिन प्रॉफिट में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट में दिसंबर 2022 में कंपनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, चाहे वो हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए या तो फिर ईयर टिल डेट बेसिस में देखा जाए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई है इन दिसंबर क्वार्टर। बाकी अगर सितंबर क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ रहता तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाता रिगार्डिंग द रिजल्ट। बाकी दिया हुआ नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये सब कुछ देख के लग रहा है वो मुझे तो यही लग रहा है कि कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करी है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस डेफिनेटली स्टे सेफ।